राजनीतिक पंडित और राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा कि जनता के नब्ज को पकड़नी चाहिए। ये एक गणितज्ञ की तरह है, ये लोग जोड़ते रहते हैं, दू गुना दू इस ढंग से जोड़ते हैं। वो इलेक्शन में वोट में वोटर के पास वोट होता है। गरीब जो हम लोग कहते थे कि इनर करेंट और सुनामी है, ये समझ में अपोजिशन को नहीं आया और जिसके कारण उसको ये सारी चीज़ें लगता है। अब तो देखिएगा, आज से शुरू हो जाएगा ईवीएम को गाली देना, और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में ईवीएम को गाली देते देते फ्रस्ट्रेशन में वोटर को भी गाली ना देने लगे। जहां तक चंद्रबाबू नायडू, हमारे गांव की कहावत है कि बगुआ का पता नहीं या झुनझुना लेकर के खोज रहे हैं नेता को। नेता तो आज तक एक दूसरे को माने नहीं, मोदी के भय से एक दूसरे के प्लेटफार्म पर जरूर गए, क्योंकि मोदी ही था। मोदी पक्ष भी था, मोदी विपक्ष भी था। अब मैं चंद्रबाबू नायडू से आग्रह करूंगा कि वो खुद ममता बनर्जी को लेकर के पॉलिटिकल आईसीयू में चले जाएं 23 तारीख तक के। अब पॉलिटिकल आईसीयू से ममता जी को निकाले, और निकालने के बाद राजनीतिक मोक्ष के लिए वो एनडीए बीजेपी से ये सीखे कि लोकतंत्र का सम्मान कैसे किया जाता है। ये सीखे क्योंकि भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता इमरजेंसी को नहीं बर्दाश्त किया। इसलिए ममता बनर्जी के इस तानाशाही रवैये, किंग जोंग की रवैये को नहीं बर्दाश्त करेगी। आईसीयू से निकले, प्रायश्चित करें, तभी उनका कल्याण है, नहीं तो 2021 में उनकी गद्दी जानी तय। कुछ अंदाज नहीं लगा वहाँ सीट, वहाँ हिंदी भाषी वोटर काफी, वहाँ कुछ अंदाज नहीं लगा वहाँ सीट आई। और जब डर है यहाँ बैठे लोगों, ये मैं क्योंकि जनता एकदम डरी।